सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बच्चों की और बड़ों की सभी की फेवरेट मैक्रोनी, और उसको हम बनाएंगे चिकन के कीमे के साथ। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो ये देख लीजिए आप, मैंने ये वाली मैक्रोनी ली है, मैक्रोनी पास्ता। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी पास्ता ले सकते हैं, तो ये आसानी से मिल जाती है। तो मैंने ये ली है 4 कप। उसके अलावा मैंने लिया है चिकन का कीमा, 500 ग्राम लिया है यानी आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया था तो इसका पानी निचड़ चुका है। उसके अलावा मैंने ली है 2 बड़े साइज़ की प्याज, और इसको मैंने बहुत फाइन यानी बहुत बारीक काट लिया है, कटर से काटा है तो बहुत ज़्यादा फाइन हो गया है। उसके अलावा 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, और ये लाल टमाटर लीजिएगा, ज़्यादा खट्टे टमाटर ये नहीं होने चाहिए। और इनको भी मैंने बहुत फाइन चॉप कर लिया है, आप चाहें तो इनको पीस भी सकते हैं। उसके अलावा 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है बारीक कटा लहसुन, 3 टेबल स्पून मैंने ली है टमाटो केचप। आप इसको कम या ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, और कीमा और पास्ता की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कीमा बढ़ा सकते हैं या पास्ता बढ़ा सकते हैं या कुछ भी कम कर सकते हैं। मसाले बहुत सिंपल जाएंगे, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक जाएगा, 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है या चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ली है पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून मैंने ली है चीनी, और 1 टीस्पून मैंने ली है पिज्ज़ा सीजनिंग या ऑरिगेनो, जो आपके पास है आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने पिज्ज़ा सीजनिंग ली है, इसमें ऑरिगेनो भी है। और पास्ता को बॉईल जब हम करेंगे तो उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। तो आइए सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करते हैं। एक बड़ा बर्तन लीजिएगा खुला हुआ, और उसमें 2 लीटर मैंने लिया है पानी। पानी को अच्छे से हमें उबाल लेना है, उबलते हुए पानी के अंदर हम पास्ता को बॉईल करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल आ रहा है, इसमें डाल दिया हमने नमक और तेल, और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये मैक्रोनी, और इसको हम 6 से 7 मिनट या फिर जब तक कि ये अलदानते नहीं हो जाता, यानी एक कन्नी इसके अंदर नहीं रह जाती, तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम है। जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, हम बना लेते हैं सॉस और उसमें कीमा डाल के पका लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है एक बर्तन, और इसमें हमने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन, और इसको हम काला नहीं करना है यानी जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा पकाना है। बस अब हम इसी के अंदर डाल देते हैं ये अपनी प्याज, और इसको भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसको भी हमें ब्राउन नहीं करना है, इसका सिर्फ हमें कच्चापन खत्म करना है। तो फ्लेम हमारी मीडियम है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हल्का फुल्का कम स्पाइसी ये पास्ता बनता है। मैंने बहुत लाइट स्पाइसेस रखे हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और स्पाइसी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ये पास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैक्रोनी पास्ता भी हमारा हो गया है, ये हमने चेक कर लिया है। तो अब हम इसको निकाल के एक छलनी में डाल देते हैं, और इसका थोड़ा सा पानी हम रख लेंगे, उसको नहीं फेंकेंगे। अगर हमें पानी डालने की ज़रूरत होगी तो हम यही पानी यूज़ कर लेंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें कीमा, और इसको 2 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। फ्लेम हमारी मीडियम है। तो 2 मिनट हमने कीमे को भून लिया है, और फ्लेम हमारी मीडियम है, इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब हम डाल देते हैं इसके अंदर अपने सभी सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, चीनी, पिज्जा सीजनिंग, और इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। चिकन का जो कीमा होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाता है। तो बस अभी टोटल 5 मिनट भून चुका है, ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं क्योंकि इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर, और टमाटरों को हम अच्छे से पका लेंगे कीमे के साथ।
टमाटर हमने 2 मिनट पका लिए हैं, तो अब हम इसको कवर करके 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट इसको हम पकाएंगे और फ्लेम हमारी लो रहेगी। तो 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर और कीमा बहुत अच्छे से पक गया है। अब जितना भी इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे और वो ड्राई कर देंगे, यानी हम इसका बिल्कुल भी पानी को नहीं रखना है, इसको सुखा देना है। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको खोल कर पका रही हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए आप, इसका जितना भी पानी है वो सूख गया है। अब हम डाल देते हैं इसमें टमेटो केचप, जो आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून लिए। बच्चों को जिस चीज़ में आप केचप डाल के देंगे वो तो उनकी फेवरेट ही बन जाती है। आप चाहें तो ऊपर से भी इसमें केचप डाल सकते हैं। 1 मिनट इसे हम पका लेते हैं। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर अपनी मैक्रोनी। अगर आपकी मैक्रोनी चिपक रही है आपस में तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिएगा छन्नी में डालकर, तो वो एकदम अलग खिली खिली हो जाएगी। देखिए अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी चीज़ें हमने हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर दी हैं। फ्लेम हमारी मीडियम है। अब हम डालते हैं इसके अंदर 1/2 कप पानी। ये देख लीजिए, ये वही पानी है जिसमें हमने मैक्रोनी को बॉईल किया था। तो 1/2 कप मैं डाल रही हूँ और अब हम अपनी फ्लेम को लो कर देते हैं इसको मिक्स करने के बाद, और 2 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि सभी फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो जाए और हमारी चिकन कीमा मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। ये तैयार है हमारा कीमा मैक्रोनी पास्ता, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और मेरे बच्चे तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं इसको उनको प्रेजेंट कर दूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।